एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश आपको कैसे पढ़नी है, यूट्यूब से कैसे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो फ्री के अंदर, आपको बिना कोई पेड बैच ज्वाइन किए हुए कैसे इंग्लिश के अंदर आप प्री के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, मेंस के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जहाँ पे भी आपसे इंग्लिश पूछी जाती है, जिस भी एसएससी के एग्ज़ाम में, इवन बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में भी, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है उसी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको सारे ग्रामर के टॉपिक्स बताऊँगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, एक एक टीचर का नाम बताऊँगी मैं आपको किस किस से वो पढ़ना है, और उनकी सारी प्लेलिस्ट की भी जो आपको आप बोल सकते हो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड करूँगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी रहेंगे और टेलीग्राम के ऊपर भी वो प्रोवाइड करवा दूंगी मैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन सारे टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन सारे टीचर्स को बहुत दिल से थैंक यू मेरा और पूरी एसएससी कम्युनिटी की तरफ से भी मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोगों ने सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री में प्रोवाइड करवा दिया है। कोई भी एस्पिरेंट घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकता है, कोई हरियाणा के किसी दूर दराज के गाँव से, कोई यूपी में, कोई बिहार में, कहीं पर भी बैठा हुआ है, उसको सारी क्वालिटी एजुकेशन जो दिल्ली में अवेलेबल हो सकती थी वो घर पे हो रही है और इवन फ्री के अंदर हो रही है। तो सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद, आप लोगों ने ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये एक सब्जेक्ट ना हो कि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की जो समझ होती है, जो उसके ऊपर पकड़ होती है वो एक दिन में नहीं आ जाती है, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका यूसेज होता है वैसे वैसे उसके ऊपर कमांड होती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी इन चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अपनी ग्रामर पढ़ सकते हो, उसके साथ साथ में अपनी वोकेबलरी वगैरह तैयार कर सकते हो जिससे आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आगे आपके किसी पेपर के अंदर इंग्लिश आने वाली है, तो आज से ही अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर लो। आप कुछ भी पढ़ो, थोड़ी देर टाइम के लिए पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नॉवल पढ़ सकते हो, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। तो पढ़ने के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कोई वेबसाइट वगैरह आप यूज़ करो या फिर कोई ऐप वगैरह आप यूज़ करो जहाँ से आप कुछ पढ़ लो, या फिर हार्ड कॉपी के अंदर कहीं से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। रीडिंग के साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी है और वोकेबलरी कंप्लीट करनी है। ग्रामर के लिए एक एक टीचर की मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगी, जो जिस भी टॉपिक को आपको जिनसे पढ़ना है, उसके साथ में वोकेबलरी आपको कौन सी पढ़नी है। एसएससी के अंदर सारी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी पूछी जाती है, तो आपको प्रीवियस ईयर की ही वोकेबलरी के ऊपर अपनी कमांड करनी है। वोकेबलरी के ऊपर कमांड करने के लिए जो प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन हैं वो आप ले सकते हो, या फिर आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है जिसके अंदर पूरा प्रीवियस ईयर को एक जगह कंपाइल करके दे रखा है, उसके अंदर आपकी ग्रामर वाला सेक्शन भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन भी है, और इवन जो आपका ये वाला सेक्शन होता है जिसके अंदर आपकी वोकेबलरी होती है वो भी है। तो सारी चीज़ों के अंदर आपको वो यूज़ हो जाएगी, तो आप किरण पब्लिकेशन वाली बुक भी ले सकते हो। टीसीएस के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, तो उसके अंदर भी आपको हेल्पफुल रहेगी कि आपको जो लेटेस्ट में अभी पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आप करोगे। तो आपको वोकेबलरी उससे शुरू कर लेनी है, रीडिंग करनी शुरू कर देनी है, उसके बाद में बात आती है ग्रामर की, ग्रामर कैसे शुरू करनी है। ग्रामर आपको फ्री के अंदर यूट्यूब के ऊपर 3 से 4 टीचर्स ने पूरा पूरा कोर्स आपको पढ़ा रखा है, या तो आप ऐसे कर सकते हो सिर्फ एक टीचर से ही आप अपना पूरा कोर्स पढ़ लो। उसके अंदर तरुण ग्रोवर सर हैं, अमन वशिष्ठ सर हैं और रानी मैम हैं, इन तीनों ही टीचर्स ने सारा कोर्स आपको फ्री के अंदर यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखा है। तरुण ग्रोवर सर का जो कोर्स है वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है, अगर किसी एस्पिरेंट का ऐसा है कि बहुत कम टाइम उनके पास बचा हुआ है तो आप तरुण ग्रोवर सर के साथ में जा सकते हो, लिमिटेड आवर्स की उनकी वीडियोस हैं, और देख के फटाफट अपने प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो और बहुत जल्दी से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो एस्पिरेंट ऐसे हैं थोड़ा सा अच्छे से समझ को डेवलप करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, वो अमन वशिष्ठ सर की वीडियोस के साथ में जा सकते हैं, उनके भी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट होगा वो मैं आपको डाल दूंगी। उनकी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती हैं लेकिन बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से उनकी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं वो एक बार अमन वशिष्ठ सर को भी जरूर चेक करके देखना, आपको काफ़ी अच्छी उनकी क्लासेस मिलेंगी। रानी मैम ने भी बहुत सारी वीडियोस मैराथन क्लासेस अपनी डाली हुई हैं, तो उनकी वीडियोस को भी आप रेफर कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी अगर टॉपिक ऐसे हैं कुछ एस्पिरेंट जिनकी ऑलरेडी काफ़ी सही है तो ना भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप 40 ले रहे हो, 45 ले रहे हो तो आपको 50 तक पहुंचाता है। तो प्रीपोजिशन की एक वीडियो है रानी मैम की, मैंने भी उस वीडियो को 2-3 बार सुना है, तो आप लोग भी उस कोशिश करना कि उस वीडियो को
एक बार तो जरूर देखो, अगर हो पाए तो। जैसे कभी कभार फ्री टाइम होता है बीच के अंदर, थोड़े बहुत देर के लिए आपको कुछ नहीं मन कर रहा, तो उसको कानों में लगा लिया और सुनते रहे रानी मैम की प्रीपोजिशंस की वीडियो। उसके बाद में एडवांस जो वर्ब है, एडवांस वर्ब के अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। एडवांस वर्ब की जो एक वीडियो है, नीतू सिंह मैम की वीडियो है, वो आपको देखनी है। एडवांस वर्ब आपको काफ़ी, मेरे को तो काफ़ी पर्सनली दिक्कत होती थी ये इनफाइनाइट्स, जिरंड और ये सब चीज़ें, मुझे तो समझ ही नहीं आती थी पहले तो होती क्या है। तो वो लोग भी इस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे। मैं भी, आप लोगों को पहले से पता है कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी इंग्लिश के अंदर। धीरे धीरे मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया, धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती गई। तो जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनको डिसहर्टन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी बहुत जल्दी इंग्लिश के अंदर इतना अच्छा स्कोर करोगे कि आपको खुद को भरोसा नहीं होगा कि आप एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होके इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो। सिर्फ आपको एक डेडिकेशन और मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, ग्रामर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 आती है वो परचेज कर लेना जरूर से। उसके अंदर से अगर आपके वो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके अंदर से आप साथ साथ रूल्स देखते रहना। अगर वो रूल्स उसके अंदर लिखे हुए हैं तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कोई ऐसा ग्रामर का रूल नया बताया है जो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, तो छोटे छोटे अपने नोट्स बना लेना साथ के साथ में। तो उसके बाद में एक टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, कंजंक्शन। कंजंक्शन काफ़ी बार हम ऊपर नीचे हो जाता है, गलत हो जाते हैं हमसे, तो वो भी रानी मैम का काफ़ी अच्छा वीडियो है, वहाँ से पढ़ सकते हो। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वैसे देखने में बहुत आसान लगते हैं, लिमिटेड से रूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी हर बार ऐसा होता है एक दो गलत कर ही देते हैं एग्जाम के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक्टिव पैसिव के लिए नमीशा बंसल मैम की एक वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे, वो जरूर देख लेना आप। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए एक रानी मैम की वीडियो है, आप वो देख लेना। इन दोनों वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद में ग्रामर की तो ऑलमोस्ट मैंने बता दी, जिस भी टीचर से आप पढ़ना शुरू करोगे, तरुण सर से, अमन सर से या रानी मैम से, सबके सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उनको देख लेना। ये कुछ एडिशनल वीडियोज़ बताई हैं कि कोई तरुण ग्रोवर सर से पढ़ रहा है उसके बाद भी आप प्रीपोजिशन रानी मैम से देख सकते हो। उसके बाद में आपको कुछ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन ऐसा है कि जिसके अंदर, पहले मैं बता चुकी हूँ कि जैसे आपकी रीडिंग की हैबिट होगी, जैसी आपकी समझ होगी वैसे कर पाओगे, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसके हेल्प से आप बहुत जल्दी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जो हमारी मनीषा बंसल मैम है, नियोन पब्लिकेशन की तरफ से, नियोन क्लासेस के नाम से उनकी जो चैनल है उसके ऊपर उनकी वीडियोज़ होती है, और नियोन पब्लिकेशन की बुक आती है उनकी, क्लोज टेस्ट की भी आती है और PQRS की भी आती है, और उनकी एक वर्ड पावर के नाम से भी बुक आती है। तीनों ही बुक बहुत एब्सोल्युटली फाइन बुक्स हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हो। जिस भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आ रही है वहाँ से देख सकते हो, और उनकी क्लासेस भी हैं यूट्यूब के ऊपर, कुछ क्लासेस के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से आप उनकी क्लासेस देख के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो बेसिक मेथड्स होते हैं कि आपको कैसे क्लोज टेस्ट को सोल्व करना है वो देख सकते हो। क्लोज टेस्ट के अंदर एक वीडियो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है रानी मैम की, भी रानी मैम की वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हो क्लोज टेस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए। वोकैबुलरी सेक्शन जिन लोगों को याद नहीं होता, उन लोगों को मैं रिकमेंड तो वैसे यही करती हूँ कि आप अपनी जो वोकैबुलरी है वो खुद से याद करो, अपने मेथड्स बना बना के याद करो तो वेल एंड गुड है, लेकिन मेथड्स बनाने में और उन सारी चीज़ों में, ट्रिक्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक देसी पढ़ाकू नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने शायद ब्लैक बुक की पूरी एक ट्रिक्स बना के आपको कोई वीडियो अपलोड कर रखी है, या फिर वन वर्ड की भी, ईडियम की भी, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। मैंने उनसे नहीं पढ़ा था, अगर कोई मेरे से बोले कि आपने उनसे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन आज के टाइम में एस्पिरेंट्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं उन वीडियोज़ को। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी रिकमेंड किया था तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था वहाँ से भी, तो आप लोग भी अगर रेफर करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे जो बेस्ट मेथड है वोकैबुलरी को पढ़ने का, वो जो मैंने हाउ टू रीड ब्लैक बुक नाम से एक मेरी वीडियो है, मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वो देख लेना आप। उसके अंदर बहुत क्लैरिटी आपको मैंने दी है कि कैसे आपको ब्लैक बुक पढ़नी है। अगर आप उस मेथड से आप अपनी ब्लैक बुक ना पढ़ रहे हो, लेकिन वो मेथड सिर्फ आप वो यूज कर रहे हो, किरण पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहां से आप उस मेथड को अप्लाई करके बहुत अच्छे से अपनी वोकैबुलरी कर सकते हो।
तो इतना ही था इंग्लिश के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक एक टॉपिक को अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टीचर से आप सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। और इतनी सारी चीज़ें अगर आप अपनी इंग्लिश के अंदर कर लेते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो नियर फ्यूचर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।